हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज कॉलेज में, जहां आप सीख रहे हैं बेसिक एक्सेल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखेंगे क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग करना। आप हमारे पिछले सभी लेसन्स को एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन नंबर 14 को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार मेनू बार के ऊपर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। इस टूलबार में हमेशा वो कमांड रखा जाता है जिसका हमें ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार में सेव, अंडू, रीडू ये तीन कमांड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार के पास एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके क्विक एक्सेस टूलबार में आपके ज़रूरत का कमांड को ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेव, अंडू, रिडू के सामने टिक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही क्विक एक्सेस टूलबार में ये ऐड है। तो दोस्तों, आप यहाँ से अपने ज़रूरत का कमांड को सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों क्विक प्रिंट को माउस का सहायता से यहाँ पर से क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक प्रिंट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मेरा क्विक प्रिंट क्विक एक्सेस टूलबार के कमांड में ऐड हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये कमांड को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक कीजिए और आपको जिसे भी हटाना है या फिर रिमूव करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्विक प्रिंट को हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा कमांड यहाँ से क्विक एक्सेस टूलबार से रिमूव हो गया। चलिए दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार के कुछ और ऑप्शन को जान लेते हैं। आप ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक कीजिए और फिर मोर कमांड्स पे आइए। आप देख पाएगा दोस्तों, एक क्विक एक्सेस टूलबार का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। चूँकि मैंने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार को ओपन किया था, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपका क्विक एक्सेस टूलबार पहले से सिलेक्टेड है। अब चाहे तो आप यहाँ से अपने मन मुताबिक कोई भी कमांड्स को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये आपका फिल कलर को ऐड करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल कलर यहाँ पर मेरा इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब चाहे दोस्तों एक से ज़्यादा भी आप इसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस जिस को भी आपको ऐड करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कॉपी को करना चाहता हूँ ऐड, मैंने यहाँ पर कॉपी को सेलेक्ट कर लिया है। आप अगर कट को करना चाहते हैं इसे ऐड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ऐड हो गया है। दोस्तों, उसी तरह आपको रिमूव करना है इस लिस्ट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर से कट को रिमूव करना चाहता हूँ, तो पहले कट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर रिमूव में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा लिस्ट से ये रिमूव हो चुका है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर आपका अप एंड डाउन एरो की के मदद से कमांड की पोजीशन को भी अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये फिल कलर का ऑप्शन सेव के ऊपर में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिल कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप दोस्तों ये मूव अप के एरो के मदद से जब तक ये ऊपर ना जाए इसे क्लिक करते रहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा फिल कलर सेव के पहले आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार में मेरा चाहा हुआ कमांड ऐड हो गया है और वो भी मेरे चाहे हुए पोजीशन के अनुसार। आप देख सकते हैं ये मेरा फिल कलर सेव के पहले यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों, आप यही काम फाइल में क्लिक करके ऑप्शन टैब में जाकर यहाँ से क्विक एक्सेस टूलबार में क्लिक करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्विक एक्सेस टूलबार में कमांड को ऐड करने का एक और तरीका है। मान लीजिए दोस्तों, मैं होम मेनू बार में या मर्ज एंड सेंटर को क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मर्ज एंड सेंटर का कमांड क्विक एक्सेस टूलबार में ये ऐड हो चुका है। अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ये आपका रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहे तो क्विक एक्सेस टूलबार का पोजीशन को भी रिबन के नीचे ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से शो बिलो द रिबन में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा क्विक एक्सेस टूलबार का कमांड सारा रिबन के नीचे में आ चुका है। अगर दोस्तों, अगर आपको ये फिर
रिबन के ऊपर प्लेस करना है, तो ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक कीजिए, यहाँ से शो अबव द रिबन में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा फिर से रिबन के ऊपर में मेरा ये पोजीशन प्लेस हो चुका है। फ्रेंड्स, आप क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, आप देख पाइएगा यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार में नंबरिंग और हमारे रिबन्स में आपका ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ जाएगा। आप इन अल्फ़ाबेट और नंबर के सहायता से भी क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए। आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा क्विक एक्सेस टूलबार का कमांड एक्टिव हो गया है। अब यहाँ से आप अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है उसका सहायता से आप इसे क्विक एक्सेस टूलबार का कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं होम का कमांड एच है, फॉन्ट का कमांड एफ एस है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा सेलेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ से आप कुछ भी फॉन्ट साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 18 सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जैसे इंटर मारूँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा फॉन्ट साइज आपका चेंज हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जाकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।